और इस वक्त एक बड़ी खबर महाराष्ट्र से है। महाराष्ट्र बोर्ड में भी 12वीं की परीक्षा रद्द कर दी गई है। बड़ी खबर आपको बता रहे, 10वीं की परीक्षा पहले ही रद्द कर चुका है महाराष्ट्र बोर्ड और अब 12वीं की परीक्षा को भी रद्द कर दिया गया है, क्योंकि लगातार बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए फैसला लिया गया है, क्योंकि बच्चों के भविष्य के साथ साथ बच्चों के स्वास्थ्य का ख्याल रखना भी सरकार की जिम्मेदारी है। सीबीएसई और आईसीएसई बोर्ड की 12वीं की परीक्षा रद्द करने के बाद स्टेट बोर्ड्स ने यह फैसला लेना शुरू कर दिया। धीरे धीरे ज्यादातर राज्य अब 12वीं की परीक्षा को रद्द कर रहे हैं। इससे पहले आपने देखा राजस्थान में भी 12वीं बोर्ड की परीक्षा रद्द हो गई, उत्तराखंड में, गुजरात में, और अब खबर महाराष्ट्र से आई है। राजस्थान बोर्ड ने भी यहां पर 12वीं की परीक्षा रद्द कर दी। हालांकि कुछ स्टेट में अभी इस पर मंथन चल रहा है, एक दो दिन में वहां से भी खबर आ जाएगी। ज्यादातर राज्य 12वीं की परीक्षा कराने के पक्ष में नहीं है। और चलिए एक और बड़ी खबर भी आपको बता दें, शिक्षा मंत्रालय पर ट्रिएटी पास छात्रों को बड़ी सौगात यहां से मिलती नजर आई है। टीईटी सर्टिफिकेट अब आजीवन के लिए मान्य हो जाएगा। पहले 7 साल होती थी टीईटी पास सर्टिफिकेट की वैधता, नया नियम 2011 से मान्य होगा। यानी 2011 में जो छात्र टीईटी पास कर चुके हैं वो टीचर्स की पात्रता आजीवन रख पाएंगे। पहले सिर्फ 7 साल ही उसकी वैधता होती थी। और एक और बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली के शादीपुर इलाके में लॉकडाउन की धज्जियां उड़ती हुई नजर आई हैं। लोग भारी संख्या में घरों से बाहर निकलते हुए यहां पर नजर आए हैं। इस वजह से सड़क पर जाम जैसी स्थिति बन गई। देखिए जी मीडिया रिपोर्टर सुमित कुमार की ये रिपोर्ट। इस वक्त हम दिल्ली के शादीपुर इलाके में मौजूद हैं और तस्वीर अगर आपको दिखाएं तो आपको कहीं से भी ये नजर नहीं आएगा कि दिल्ली में अभी भी 7 जून तक लॉकडाउन है। आप देख सकते हैं कि भारी संख्या में जो लोग हैं वो लगातार अपने घरों से निकल रहे हैं, क्योंकि सिर्फ अनलॉक में इंडस्ट्रियल एरिया और कंस्ट्रक्शन साइट को ही इजाज़त दी गई है। लेकिन इसके बावजूद भारी संख्या में लोग जब सड़कों पर निकल रहे हैं तो यहाँ आप जाम की स्थिति देख सकते हैं। तो कहीं ना कहीं ये एक बड़ा खतरा जो है वो साबित हो सकता है, क्योंकि अभी भी दिल्ली में तीसरी लहर की चेतावनी एक तरह से है। और अगर आप ये तस्वीर देखेंगे तो कहीं ना कहीं आपको ये सोचने पर मजबूर करेगी कि दिल्ली में अभी भी जो लॉकडाउन है लेकिन इसके बावजूद लोग जो हैं वो भारी संख्या में अपने घरों से निकल रहे हैं। हालांकि दिल्ली सरकार ने जो कहा था कि बेवजह लोग अपने घरों से ना निकले, लेकिन अगर आप तस्वीर देखेंगे तो आपको कहीं से भी नज़र नहीं आएगा कि दिल्ली में लॉकडाउन जो है इस वक्त चल रहा है। लेकिन लगातार आप तस्वीरें अगर देखेंगे तो आपको भारी संख्या में जो लोग हैं वो अपने घरों से निकलते नजर आएंगे। कैमरा पर्सन नरेंद्र के साथ सुमित कुमार, जी मीडिया, दिल्ली। और इधर 31 मई से दिल्ली में अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हुई है और सिर्फ फैक्ट्री और कंस्ट्रक्शन सेक्टर्स को ही लॉकडाउन से छूट मिली है। छूट के बावजूद कई कंस्ट्रक्शन साइट्स पर काम ठप पड़ा हुआ है। इसकी वजह है कि कंस्ट्रक्शन के मटेरियल की दुकान बंद है। देखिए जी मीडिया रिपोर्टर सुमित कुमार की ये खास रिपोर्ट। दिल्ली में 31 मई से ही अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हो गई थी, जिसमें फैक्ट्री और कंस्ट्रक्शन साइट को इजाज़त दे दी गई थी और उनके जो कामगार हैं वो काम कर सकते थे। लेकिन कंस्ट्रक्शन साइट को इजाज़त देने के बावजूद आप तस्वीर देख सकते हैं कि यहाँ काम जो है वो नहीं हो पा रहा है, क्योंकि कंस्ट्रक्शन से जुड़े जो भी कामगार हैं वो ये कह रहे हैं कि इससे जुड़े जितने भी मटेरियल्स हैं उनकी जो दुकानें हैं वो बंद है, जिसके चलते काम जो है वो नहीं हो पा रहा है। बहुत दिक्कत हो रही है सर, ना दुकान एक भी खुला ही नहीं है। सामान मान के चलिए कोई भी सामान लाना हो तो सामान मिलेंगे नहीं, तो दुकान काम करने से क्या फायदा हम लोग को, इससे बढ़िया बंद ही था। कामगारों का कहना है कि इससे अच्छा होता कि अनलॉक की जो प्रक्रिया में कंस्ट्रक्शन साइट को इजाजत ही नहीं दी जाती। तो खासकर जो मिस्त्री हैं, राजमिस्त्री हैं, उनके सामने जो है रोजी रोटी का जो संकट है वो इस वक्त मंडरा रहा है और सरकार से ये लोग मांग कर रहे हैं कि अनलॉक प्रक्रिया में आपने कंस्ट्रक्शन साइट खोलने की तो इजाज़त दे दी गई, लेकिन इससे जो जुड़े जो दुकानें हैं उनको भी खोला जाना चाहिए ताकि कंस्ट्रक्शन जो है वो प्रॉपर तरीके से हो सके। कैमरा पर्सन नरेंद्र के साथ सुमित कुमार, जी मीडिया, दिल्ली। और बड़ी खबर आपको बता दें, आर्मी चीफ मनोज तो दिल्ली में कंस्ट्रक्शन साइट में काम करने की छूट मिल चुकी है,
लेकिन आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि कंस्ट्रक्शन साइट पर काम शुरू नहीं हो पाया, क्योंकि जो कंस्ट्रक्शन मटेरियल है उसकी दुकानें बंद है। जब मटेरियल ही नहीं रहेगा तो फिर काम को आगे कैसे बढ़ाएंगे? बिल्कुल, ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि फिर जो छूट यहां पर दी गई है उसका फायदा आखिर लोगों को मिलेगा कैसे, क्योंकि इसीलिए छूट दी गई थी क्योंकि अरविंद केजरीवाल की ओर से कहा गया था कि बहुत बड़ा तबका ऐसा है जिसके लिए आजीविका में बहुत सारी परेशानियां हो रही हैं लेकिन सामान नहीं मिल रहा, तो फिर आखिर काम कैसे होगा? और इधर पाकिस्तान को आर्मी चीफ की दो टूक सामने आई, आर्मी चीफ MM नरवणे की पाकिस्तान को कड़ी चेतावनी। पाकिस्तान ने सीज फायर तोड़ा तो सेना भी तैयार है, ये आर्मी चीफ की ओर से कह दिया गया है। भारतीय सेना हर चुनौती के लिए तैयार है, आर्मी चीफ ने कहा है सेना हर चुनौती से निपटने में सक्षम है। सेना प्रमुख ने पाकिस्तान के बारे में कहा कि पाकिस्तान दशकों से धोखा दे रहा है, सीज फायर का उल्लंघन करना पाकिस्तान की आदत में शुमार है। दरअसल संघर्ष विराम के 100 दिन पूरे होने पर आर्मी चीफ ने दौरा किया था और उसी दौरान उन्होंने यह बयान दिया है कि अगर पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आता तो उसके लिए भारतीय सेना तैयार है। ट्रस्ट इज अ वेरी डिफिकल्ट थिंग टू कम बाय एंड इट टेक्स अ वेरी लॉन्ग टाइम टू डेवलप एंड देयर हैव बीन डिकेड्स ऑफ मिसट्रस्ट बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया एंड ऑब्वियसली द सिचुएशन ऑन दैट स्कोर कैनॉट चेंज ओवरनाइट। However, if the ceasefire continues, if they continue to observe the ceasefire in letter and spirit, if they stop and desist from trying to push terrorists across and foment trouble in India, then all these small steps will definitely go incrementally to build up that level of trust between the two countries. So as I said, the onus is entirely on Pakistan to build up on whatever we have achieved so far. एक तरफ कोरोना का खौफ पूरी दुनिया में है तो वहीं कुछ खबरें ऐसी भी हैं जो हमारा हौसला बढ़ाती हैं। हम आपको गुरुग्राम की लाडो दादी से मिलवाते हैं जो कि 99 साल की हैं और जिन्होंने कोरोना को मात दे दी। घर वाले बताते हैं कि लाडो दादी 105 साल की हो चुकी हैं और उन्होंने 1918 में आए स्पेनिश फ्लू का दौर भी देखा है, वही स्पेनिश फ्लू जो कोरोना से भी ज्यादा खतरनाक था क्योंकि उस दौर में विज्ञान ने भी इतनी तरक्की नहीं की थी। लाडो दादी कोरोना संक्रमित हुई और घर पर ही रहकर उसे मात दे दी, लेकिन घर पे शुद्ध हवा में नेचुरल, हमने सब कुछ नेचुरल दिया, हमने टैबलेट्स भी नहीं दी इतनी, ओनली हमने फ्रूट्स पे ध्यान रखा, फ्रूट्स जो भी थे ग्रेप्स हो गए और आलू बुखारे जो भी होते हैं ऑरेंज वगैरह जो भी है फ्रूट्स पे और वेजिटेबल्स हमने ज्यादा जोर दिया।